पिछले 24 घंटे में उड़ीसा के ऊपर रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन फेयरली वाइड स्प्रेड रहा है, यानी कि अनेक ज्यादातर स्थानों पे हल्की से मध्य वर्षा तो ऑब्जर्व की गई है। सबसे अधिक वर्षा जाजपुर में 60 मिलीमीटर दर्ज की गई है। पालक मंडी का सबसे अधिक तापमान 37.4 से दर्ज किया गया। सिग्निफिकेंट सिनोप्टिक सिटी की बात करें तो जो ट्रफ है झारखंड नॉर्थ कोस्टल उड़ीसा अक्रॉस उड़ीसा होते हुए मीन सी लेवल से 0.9 किलोमीटर लेस मार्क बनी हुई है, लेकिन अपर लेवल सपोर्ट और वेस्टर्नली इंटरेक्शन की वजह से और हमारा जो ओशन से जो वेव बैंक ऑफ मॉइस्चर है उसकी वजह से आज हमारा जो है बादल बना हुआ, दो दिन तक जो है वेदर रहने की बना हुआ है, जिसमें अगर बात करें डे वन में ज्यादातर उड़ीसा में वाइड स्प्रेड डिस्ट्रीब्यूशन रहने की संभावना है। उसके अलावा जो है हम लोग ऑरेंज वार्निंग दिए हैं जिन डिस्ट्रिक्ट में आइसोलेट थंडरस्टॉर्म विद लाइटनिंग होने की संभावना है, गस्टी सर्वाइवल स्पीड 50-60 kmph होने की संभावना है और आइसोलेटेड प्लेसेस में जो है हेल स्टॉर्म भी होने की संभावना है और हैवी रेनफॉल भी होने की संभावना है। आइसोलेटेड प्लेसेस में उनमें डिस्ट्रिक्ट शामिल है हमारे जो रेनफॉल जाजपुर कटक ढेंकरा नयागढ़ बोध कंधमाल इन सब डिस्ट्रिक्ट में हैवी रेनफॉल आइसोलेटेड प्लेसेस होने की संभावना है। उसके बाद हेल की जो हमारी सोनपुर बोध कालाहांडी बोलांगीर कंधमाल नयागढ़ कटक ये सब जो धनकुरा ये डिस्ट्रिक्ट है वहां पर हेलस्टॉर्म होने की संभावना है, इसलिए येलो ऑरेंज वार्निंग दी गई है। उसके बाद बाकी जगह जो ऑरेंज कलर देख रहे हैं वहां पे जो आपको एक्सीडेंट थंडरस्टॉर्म विद लाइटनिंग होने के लिए ऑरेंज वार्निंग दी गई है। और बाकी जो बचे हुए उड़ीसा के देख रहे हैं डिस्ट्रिक्ट वहां पे बालगढ़ जाजपुर संबलपुर देवगढ़ सुंदरगढ़ खुर्दा पुरी गंजम जयसिंहपुर केंद्रपाड़ा भद्रक बालासोर इन सब डिस्ट्रिक्ट में येलो वार्निंग दी गई है जहाँ की गस्ती सर्वाइवल स्पीड 30-40 kmph रहने की संभावना है। उसके अलावा आइसोलेटेड प्लेस थंडरस्टॉर्म विद लाइटनिंग भी होने की संभावना है जिसके लिए येलो वार्निंग दी गई है। और डे टू यानी 20 तारीख को भी हमारे जो कोस्टल उड़ीसा है वहां पर फेयर वाइड स्प्रेड डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा, बोध कंधमाल रायगढ़ कोरबा कालगिरी में फेयरली वर्षा डिस्ट्रीब्यूशन की संभावना है, बाकी जगह पे स्कैटर डिस्ट्रीब्यूशन रहने की संभावना है। इसी के 20th को भी जो कोस्टल उड़ीसा में जो डिस्ट्रिक्ट है वहां पर थंडरस्टॉर्म विद लाइटनिंग आइसोलेटेड प्लेसेस पे होने की संभावना ज्यादा जगह पे कोस्टल उड़ीसा में जो ऑरेंज कलर देख रहे हैं। उसके अलावा गस्ती सर्वाइवल स्पीड रीचिंग 30-40 kmph जिसमें जाजपुर कटक खुर्दा नयागढ़ पुरी जगदीशपुर केंद्रपाड़ा बालासोर भद्रक डिस्ट्रिक्ट शामिल है। आइसोलेटेड प्लेसेस जो इसमें हैवी रेनफॉल होने के जहां संभावना है वहां ऑरेंज वार्निंग दी गई है, नयागढ़ कटक खुर्दा पुरी और जगदीशपुर डिस्ट्रिक्ट शामिल है। उसके अलावा येलो वार्निंग दी गई है आइसोलेटेड प्लेस पे थंडरस्टॉर्म विद लाइटनिंग होने की संभावना है जहां मयूरभंज केवंझा ढेंकनाल कंधमाल रायगढ़ कोरापुट मुलकानगिरी डिस्ट्रिक्ट में ये 20th की वार्निंग थी। ये 3 में जो हमारे नॉर्थ उड़ीसा कुछ डिस्ट्रिक्ट है वहां पे आइसोलेटेड प्लेसेस पे हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। उसके अलावा डे 4 to day 7 जो हमारा ड्राई वेदर रहने की संभावना है। टेम्परेचर फोरकास्ट में अगले दो दिन तक जो मैक्सिमम तापमान है डे का टेम्परेचर 2-4 degrees Celsius तक नीचे गिरेगा। उसके बाद जो है धीरे धीरे वो 4-6 degrees Celsius तक राइज करेगा सब्सिक्वेंट 3 days के लिए ज्यादातर हिस्सों के उड़ीसा के ऊपर।